हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल जय कोचिंग पर। आज हम आपसे अब बात करा करेंगे। एक सीरीज चालू हो रही है जिसमें लगातार एएमयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता रहेंगी जो आपको पेपर में मिले, जिस लेवल पर मिल पाओ 100% सिलेक्शन के लिए डाले जाएंगी, कि जिससे कि 100% सिलेक्शन हो। तो आप ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे, हर क्वेश्चन को पूरा करने की भी टेक्निक देखेंगे और साथ में शॉर्टकट देखते ही हो जाए किस प्रकार से हुआ करें। तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट हो जाए आप रेडी। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 6 तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बताओ। देखिएगा क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 5 है और एक्स वाई की वैल्यू 6 है। हम इसमें यहां सोचे, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग 5 हो जाए और गुणनफल 6 हो जाए? तो आपको मिलेगी 3 × 2 = 6। 3 और 2 कितना आएगा? इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया, 3 और 2 = 5 और 3 × 2 = 6। देखिए 2 है, बराबर 6, बिल्कुल सही। एक्स की जगह आपने 3 लगा दिया और वाई की जगह 2 लगा दिया, और कितना आ गया? 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, और कितना आंसर आ गया? 19। राइट आंसर डी, 19। तो ये टेक्निक है कि आपने डायरेक्ट सोचा। इसी बात को आप चाहो कि नहीं हम तो करके देखेंगे, तो कई तरीके हैं इसको करने के। आपने क्या, आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, आपको मालूम होना चाहिए। और x प्लस वाई वैल्यू लिखिए 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 25 माइनस 24 और ये 1 आ गया। तो x माइनस वाई कितना आ गया? 1। 1 का और इसको इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे दोनों को तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना है? 3। 6 आ गया, 5 और 1 = 6 और x बराबर 3। x वैल्यू 3 लगा दो यहां पर तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब x और y की वैल्यू लाओ। ये इतना लंबा तरीका कि ऐसे हमने पहले वैल्यू निकाले और तब करें, यहां पर हम डायरेक्टली सोच सकते। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आता है, आप इस प्रकार सोचेंगे कि हर क्वेश्चन को किस प्रकार से सोचा जा रहा है। सोचना है, सोचने का ही काम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर आपके सामने आ गया। क्या आता है दूसरा क्वेश्चन? एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है? x की पावर 29 माइनस x की पावर 25 प्लस x की पावर 13 माइनस 1। अब कह रहा है किससे विभाजित है? क्या x माइनस 1 से है कि x प्लस 1 से, किससे है? देखिएगा कुछ बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। क्या माइनस 1 की पावर यदि इवन है समय तो ये पॉजिटिव आएगा, माइनस 1 की पावर नेगेटिव है और विषम है, ऑड है, इसे बोलते हैं इवन, इसे ऑड, ऑड है तो ये आएगा नेगेटिव। प्लस की 1 की पावर कैसे भी हो, प्लस की 1 की पावर इवन हो, सम हो या विषम हो, वो प्लस का ही आता है। अब आपसे क्या कहता है? विभाजित होता है किससे? x माइनस 1 से एक बार कहना चाह रहा है और एक बार कहना चाह रहा है x प्लस 1 से। क्या दोनों से है? x माइनस 1 से है, x प्लस 1 से नहीं है। x प्लस 1 से है, x माइनस 1 से नहीं है, ना x माइनस 1 से और ना x प्लस 1 से। चेक करते हैं, x माइनस 1 से भी चेक करेंगे तो x बराबर आप 1 लगाएंगे। अब 1 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर कैसी भी हो। अब मैं तो आपको लिख के दिखा रहा हूं, 1 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, इसको मतलब x माइनस 1 तो से तो विभाजित है। अब x प्लस 1 भी पूछ रहा है
एक्स बराबर आपने लगाया माइनस वन, लगाइए माइनस वन, माइनस वन की पावर 29, माइनस वन की पावर 25, माइनस वन की पावर 30 और माइनस वन। अब आपने देखा माइनस की पावर विषमे तो माइनस का आएगा, माइनस की पावर विषमे माइनस का आएगा, माइनस की पावर विषमे माइनस का आएगा, और ये माइनस एक, ये माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस एक, माइनस एक और माइनस एक, माइनस टू, ये इसको जीरो आता तो विभाजित करता, नहीं तो नहीं करता। इसका मतलब क्या विभाजित कर रहा है, एक्स माइनस वन को विभाजित कर रहा है और एक्स प्लस वन नहीं कर रहा। एक्स इसका आंसर होगा बी, क्या होगा, एक्स माइनस वन से विभाजित है लेकिन एक्स प्लस वन से नहीं है। इस बात को आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, इतना लिखना नहीं है। जैसे ही आपको एक्स बराबर वन लगाना है तो वन की पावर कुछ भी है, प्लस का वन माइनस का वन, प्लस का वन माइनस वन, कट गया, कर रहा है। जब आपने माइनस का वन लगाया तो आपको सोचना है माइनस वन की पावर विषम माइनस का, माइनस वन की पावर विषम माइनस का और माइनस माइनस प्लस का, माइनस वन की पावर विषम माइनस का, आगे प्लस है माइनस आएगा, प्लस का माइनस होगा माइनस और माइनस एक, इससे ये कट गया माइनस वन, नहीं कर रहा। तो इतना लिखना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट 5 सेकंड में सोचना है। तो अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है अगर 5x² + 14x, देखिए क्या है, 5x² + 14x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर को x² + x + 1 से भाग देने पर क्वेश्चन क्यू, मतलब भागफल वाला है क्यू, और शेषफल आर का मान बताओ, और शेषफल आर का मान बताओ। देखिए इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अब क्या है तो देखिएगा, यदि मैं 2 का भाग 6 में दूं, 2 3 6 पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना बच रहा है, यहां पर आर का मान बच रहा है 0 और क्यू का मान कितना है 3। आप कहेंगे इससे समझाना क्या चाह रहे हैं, मैंने आपसे कहा किसका भाग दे रहा हूं, 2 का, मैंने 6 के फैक्टर करे, 6 के फैक्टर करे 2 गुणा 3, मैं 2 का भाग जा रहा हूं, यदि इसका गुणा है तो 2 से तो 2 कट जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, और जब पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा 0। यदि किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए तो शेषफल कितना होता है 0। मुझे इसमें इसका भाग करना है, पहले मैं इसे फैक्टर करना चाहूंगा, 6 में भाग करना था, पहले मैंने 6 के फैक्टर करे 2 गुणा 3, इसी प्रकार इसके फैक्टर करूंगा। देखिएगा ये a का स्क्वायर, इसको a बोल रहा हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है a प्लस b, इन दोनों को जोड़िए, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, और एक बार घटाइए a माइनस बी, ये a प्लस बी कर दिया, अब a माइनस बी करिएगा क्या होगा, 5x² + 14x + 2, इसको घटाइए, माइनस का 4x² + 5x - 7, 5x² और 4 9x², 14 में से 5 गए 9x, और 2 और 7 9। अब यहां पर देखिए 5 में से 4 गए x², 14 और 5 19x, और 2 में से 7 गए -5। अब जब ध्यान दिए इसमें क्या कॉमन है, 9, x² + x + 1 और x² + 19x - 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या इसके गुणनखंड कर रहे हैं,
जिससे भाग देना है वैसा है कि नहीं? है, बिल्कुल है। इस कंपनी कट जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, और जब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो शेषफल कितना होगा? जीरो। सिखाया मैंने अभी आपको, शेषफल कितना होगा? जीरो। और क्यू कितना होगा? कितनी बार भाग जाएगा? ये तो इससे कट रहा है तो इतनी बार भाग जाएगा, दो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 5। अरे जब हमने इसके फैक्टर करे दो गुना तीन, तो दो से तो दो कट रहा था, कितनी बार भाग जा रहा था? तीन बार। ये क्यू है और शेषफल कितना आ रहा? जीरो। इसी प्रकार ये ज्यों का त्यों ये रहा, ये तो भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? नौ जो बच रहा है वो, और ये लिख दिया, ये नौ लिखा, नौ है सॉरी, दो नहीं है, नौ गलत लिख दिया, नौ बढ़िया गया। और शेषफल कितना चाहिए? जीरो। तो कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर है बी, आंसर इसका आ गया बी। सॉरी भाई, ये ट्रिक, ये बात को समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या आता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वन, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन और पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस वन का एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कितना है? एक्स माइनस वन है तो पी और क्यू में संबंध बताइए, पी और क्यू में संबंध है, बात को सुनिएगा ध्यान से। मासा होता क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, ये मासा की डेफिनेशन होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, जब पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? जीरो। इसका मतलब एक्स बराबर वन लगा दे तो इसको भी जीरो कर देगा और इसको भी क्या करेगा? जीरो। आप चेक करें, एक्स बराबर वन लगाए, वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो कर रहा है, पक्की बात करो, तो इसको भी क्या करेगा? जीरो। लगाइए पी, वन का स्क्वायर माइनस क्यू, वन प्लस वन बराबर जीरो, जीरो लेके चलेंगे क्योंकि शेषफल कितना है? जीरो। पी माइनस टू क्यू बराबर जीरो, पी बराबर टू क्यू, क्या रिलेशन आ गया? पी बराबर टू क्यू, और पी बराबर टू क्यू आंसर कौन सा है? आंसर ए। बहुत ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि सीरीज बड़ी लंबी आने वाली, लगातार आपको मिलेंगी लगातार क्वेश्चन। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, दोनों 600 रुपए बचाते हैं, उसके व्यय का अनुपात 3:2 है, ए की मासिक आय बताओ। पहले आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, बचत क्या होती है, बचत होती क्या है? बचत को जनरल जनरल फॉर्म में समझिएगा, जनरल लाइफ में समझिए, किसी व्यक्ति ने 10 रुपए कमाए, 8 रुपए खर्च कर दिए, कितने कमाए? 10 रुपए कमाए, 8 रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपए तो बचत हुए, मतलब आमदनी माइनस खर्चा बराबर क्या होगा? बचत। आमदनी माइनस खर्चा बराबर बचत। ए और बी की आय में अनुपात, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी की आय में अनुपात कितना है? 4:3। ये आय में समझ नहीं होते, और खर्चे में क्या कह रहा है? खर्चा, खर्चे का अनुपात क्या है? व्यय का, व्यय का है 3:2। ए की आमदनी बतानी है, देखिएगा यदि इसकी आमदनी 4 है तो खर्चा कितना है? 3। जब ये 4 कमा रहा है तो खर्चा कर रहा है 3, तो बचत कितनी हुई इसकी? 1। ये 3 कमा रहा है, इसका खर्चा कितना है? 2, तो इसकी बचत कितनी है? 1। तो करने का तरीका, पहले अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लगा लेना चाहिए, इसकी आमदनी 4x, इसकी आमदनी 3x, इसका खर्चा 3y,
और इसका खर्चा 2y। अब a का बचत क्या होगी, आमदनी माइनस खर्चा कितने रुपए, 600। और b की बचत क्या होगी, 3x माइनस 2y बराबर 600। आपको सिर्फ क्या निकालना है, एक ही मासिक आय आय निकालनी है, और इसमें आपको क्या लगा एक्स, इसमें एक्स समान चाहिए आपको। आपने क्या करा, इसमें करा तीन का गुणा दो का, दो का और इसमें तीन का उतारिए, दो का करा 8x माइनस 6y बराबर 12x, इसमें करा तीन का 9x माइनस 6y बराबर 6x, घटा दो घटेगा माइनस का एक्स बराबर 600 और एक्स बराबर कितना आ गया 600। बिल्कुल बात की है, अब हमें एक ही आमदनी चाहिए, एक ही आमदनी कितनी है 4x। अब कितना आ गया 4 × 600 कितनी आमदनी आ गई 2400। तो एक ही आमदनी कितनी है 2400 रुपया। अब आपने कहा एक लाइन का तरीका सिखाइए जो कि देखते ही करने इतना लिखना ना पड़े। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था लेकिन मैंने अपने आपको रोका कि आपके समझ में पहले ऐसे आए। देखिए चार आमदनी खर्चा एक, तीन तो बचत कितनी एक, एक अनुपात पर कितना रुपया दे रखा है 600 की बचत, एक अनुपात पर कितनी बचत है 600, एक अनुपात बचत पे कितने रुपए 600, तो चार अनुपात में कितना होगा 4 × 600 2400। सेकेंड नोट हम ठीक है,